स्वागत है। आप देख रहे हैं टीएसटी न्यूज लाइव। हर सच्ची खबर पर आपकी नजर। मैं हूं आपके साथ पिंकी। आई नजर डालते हैं आज की खबर पे। शिव की नगरी में शुक्रवार को पूरी तरह से हनुमानमय हो गई। हर ओर बजरंग बली के जयकारे गूंज रहे थे। इस दौरान निकली भव्य शोभा यात्रा ने काशी की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी की पहचान कर दर्शन कराया। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में शामिल हुए श्रद्धालुओं ने हनुमान जयंती का उत्सव धूमधाम से मनाया। मन और शरीर पर आस्था का ऐसा असर रहा कि झुलसा देने वाली धूप में भी श्रद्धालु नाचते गाते और जयकारे लगाते आगे बढ़ते रहे। पिछले 15 दिनों से निकल रही हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी के अंतिम दिन भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। यह ध्वज संकट मोचन जी महाराज को समर्पित किया। ये आस्था का सैलाब है जो आज सड़कों पर अपने आराध्य के जन्मोत्सव की मस्ती में लीन है। झूमते नाचते लोग पहुंचे हैं स्वयंभू संकट मोचन के दरबार में। मान्यता है कि इस स्थान पर पवन पुत्र ने तुलसीदास जी को दर्शन देकर उन्हें रामचरितमानस पूरी करने की प्रेरणा दी। हनुमान जी के चरित्र को आज के संदर्भों में देखें तो ऐसा लगता है कि उनमें भक्ति भाव रखने के साथ उनके चरित्र की भी चर्चा करनी चाहिए। श्री हनुमान जी के चरित्र के मूल में हमें उनका भगवान श्री राम के प्रति सेवा भाव और भक्ति भाव और श्री सुग्रीव के प्रति मैत्री भाव सदैव आकर्षित करता है। हम जब उनका स्मरण करते हैं तो वो सेवक के से स्वामी और भक्त से भगवान बनने वाले एक इष्ट की तस्वीर हमारे मस्तिष्क में उभरती है। काशी में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं जो हर साल इस यात्रा में शामिल होना अपना कर्तव्य समझते हैं। जयप्रकाश सिंह, पिंडरा, वाराणसी। मैं कौशल शर्मा, श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी समिति का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। ये पिछले 19 वर्ष से चल रही है और आज इसका 19वां वर्ष समापन है और ये भगवान की इतनी कृपा है। आज हमारे घर में छोटा बच्चा पैदा होता है, हम उसका जन्मोत्सव मनाते हैं, नाचते गाते उत्साह मनाते चलते हैं। आज हमारे प्रभु का जन्मदिन है, इसलिए नाचते गाते उत्साह मनाते हुए मंदिर तक जा रहे हैं। त्रिदेव मंदिर होते संकट में जाएंगे, वहाँ पर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा पाठ करेंगे, उसको हनुमान जी की आरती करेंगे, भक्तों को प्रसाद वितरण करेंगे और हमारे देश में खुशहाली रहे, कोई संकट के बादल ना आए। जैसे राम की सेना में हनुमान थे वीर नायक, वैसे हमारी सेना जो मजबूत हो, इस कामना से हम लोग बहुत खुशी से मनाते हुए नाचते हुए जा रहे हैं और हनुमान जयंती को। समापन के बाद कितना इंतजार रहता है ये तो आप ऐसा पूछ लिया। ये वो कार्यक्रम है कि पूरे 12 महीने रहोगे इंतजार में, ऐसा असर है मेरे बालाजी के प्यार में। किस तरह का यात्रा है और कितना इंतजार रहता है? अरे इस दिन का हम लोग को बहुत इंतजार रहता है, बच्चों भी हम लोग के आने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं और हम लोग को अच्छा भी लगता है। भगवान से क्या कामना करते हैं? भगवान से यही है कि मतलब सबका भला करें और क्या, सब अच्छे से रहें, अच्छे मिलजुल के रहें। कितने वर्ष से शामिल हो रही है? 4 साल से।